कोई भी नशा पिएगा उसकी सेहत नहीं अच्छी रहेगी। अज सानू बुद्धू बनाया जा रहा, बोतलां भेज के पंजाब विच लिखा जा रहा सेहत लई हानिकारक है, ताकि तो पढ़ लैन भी असी नहीं पीनी चाहिए, साडी सेहत नहीं रहूगी। जिहदी सेहत नहीं है उसके पले कख नहीं है, कोई जिन्नी मर्जी पैसा पिया उसके कोल पैसे की कोई वैल्यू नहीं जे सेहत नहीं है। इस करके जिहड़ी कौम दे जिहड़े देश दे लोक जिहड़ी कौम दे लोक सेहतमंद नहीं रहणगे वह कौम अगे नहीं बधूगी, वह देश भी तरक्की नहीं करेगा। जिहड़ी कौम दे लोक नशा पीणगे उन्हां कोल आर्थिकता की कमजोरी आ जाएगी, पैसे के पक्ष तो थले डिग पैणगे, मेहनत कश नहीं रहणगे, वेलड़ हो जाएंगे, वह कौम गरीब हो जाएगी। जदों कौम गरीब हो जाएगी तो कौम कदे भी सिर उच्चा चुक के तुर नहीं सकती। उन्होंने झूठे परचे ते पैसे की बर्बादी, डॉक्टरों को सेहत ठीक कराने पुलिस को जाके पैसे देंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, आर्थिकता इस पासे मारी जाऊगी, ते नाल नाल उन्हें घर में कदे भी सुख शांति का साह नहीं आएगा, हर टाइम कलेश पिया रहेगा नशे वाले के घर। इस करके गुरु पातशाह ने सानू संबोधन किया, मैनू बेनती करनी पै रही है, हिंदू धर्म च नशियां की इजाजत नहीं है, मुसलमान धर्म च नशियां की इजाजत नहीं है, सिख धर्म भी किसी भी नशे की कोई भी इजाजत चाह तक भी सानू इजाजत नहीं है। जे डिटेल च जाऊं तुसी अज मुश्किल है एक देश की, और खास करके हाँ मैं अपनी कौम की गल करदा, मैं कहना कोई भी बंदा नशा ना पीए जिंदगी, कोई डंगर नहीं पी रहा, कोई पंछी नहीं पी रहा, उन्होंने एहसास कुदरत ने कराया हो तेरी आ खुराक ये रही होर कोई चीज़ तेन नहीं खानी, ना तू चस्के लाने, थोनू चस्के भी दिते हुए हैं, थोनू नाल काम करो लो मोह हंकार भी थोड़े चंगे चढ़ाए हुए हैं।